हेलो, मैं सरोज आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा वीडियो देखिएगा। इस पे दिया हुआ है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, जिस किसी के पास भी होगा वो हमेशा आप लोग देखते होंगे, ब्रेक जो है अचानक से स्लिप मारने लगता है या साउंड करने लगता है कुछ ना कुछ। तो उसको प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कैसे करें, वो साउंड कैसे हटाएं, जो स्लिप हो रहा है उसको कैसे ठीक करें, पूरा वीडियो इसी में दिया हुआ है। तो इसको स्किप करे बगैर आप देखिए, और चैनल को जो है अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसमें क्या है, डेली डेली कुछ ना कुछ नया नया वीडियो आते रहता है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको ब्रेक कैसे स्लिप कर रहा था, वो हमने दिखाया। क्या करना है, पहले जो फ्रंट व्हील है उसको निकाल लेना है। ये कैलिपर आप देख ही सकते हैं, कैलिपर से अब ब्रेक पैड जो है दोनों का दोनों उसको निकाल लेना पड़ेगा। ब्रेक पैड दोनों निकालेंगे कैसे, किसी में रहता है इलिंकी बोल्ट रहता है, किसी में चीरा पिन रहता है, तो इस पे चीरा पिन है, चीरा पिन को सीधा करके फिर निकाल लूँगा दोनों पैड। पीछे से हल्का सा प्रेस कीजिएगा, सामने की तरफ आ जाएगा। ये देखिए ब्रेक से बाहर आ रहा है। जगह थोड़ा सा छोटा होता है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब जो है जिस ब्रेक को आप खोले हैं, ब्रेक पैड जिससे निकाले हैं, उसको एकदम भी ज़रा सा भी प्रेस आपको करना नहीं है। ये आपको लिख के कहीं रख लेना है, या एकदम बढ़िया से उसको सेफ जगह पहले कर देना है कि जहाँ उसको कोई हाथ ना लगाए। उसको प्रेस कर देने से सारा ऑयल जो है बाहर आ जाएगा। अब देखिए रोटर पे कितना सारा एकदम ऑयल चिपका हुआ है, जिसके वजह से आपका ब्रेक जो है स्लिप कर रहा है। ऊपर नीचे दोनों साइड एकदम गंदा बैठा हुआ, पूरा एकदम ऑयल चिपका हुआ है, तो इसको निकालना पड़ेगा। ये ब्रेक पैड में भी यही अवस्था है, देख ही सकते हैं। तो इसको करना पड़ेगा बढ़िया से क्लीन। तो क्लीन किससे होता है वो दिखा रहा हूँ आपको। पहले तो रोटर जो है उसको निकाल लेना है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से जो है छोटा छोटा जगह मैं स्किप कर दिया हूँ। खुद से ही जो जगह एकदम ज़रूरी है उसी जगह दिखाया हूँ। तो आप खुद से स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप देखें। जैसे नट वगैरह सारा खोल लिए, नट वगैरह सारा खोल लेने के बाद रोटर को जो है बढ़िया से निकालेंगे। ये रोटर मैंने निकाल लिया। रोटर निकालने के बाद आपके पास कुछ भी सरफ, शैम्पू, कुछ भी अगर है तो इसको यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास क्लीनर था, वो भी शैम्पू से ही बना हुआ है। वो ना आता है वो मेकअप का क्लीनर, तो वो यूज़ कर रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा सरफ यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया से घिस घिस के।
जितना भी गंदा है उसका निकाल लेंगे बरस। इसको बढ़िया से क्लीन करना है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत रह गया तो चलेगा, नहीं चलेगा नहीं, वो फिर साउंड करने लगेगा, स्लिप मारने लगेगा। आप देख ही सकते हैं कितना गंदा निकल रहा है, देख सकते हैं कितना गंदा सारा बह गया एकदम। अब वही एकदम ब्रेक पैड के साथ भी करना है, बढ़िया से एकदम घिस करके जितना गंदा है सारा कुछ निकाल लेना है और बढ़िया से क्लीन कर लेना है। ये हो गया सबसे पहला स्टेप, पहले तो क्लीन करना है, उसके बाद उसको बढ़िया से धो लेना है। देखिए सारा कुछ धो के मैं रखा, फिर उसको सुखा लूँगा टिशू से। आप सुखाने के लिए और पोंछने के लिए टिशू ही यूज़ करें, क्योंकि टिशू ऐसा एक चीज़ है जिससे जो होता है कि आपका ऑयल वाटर सारा कुछ वो अपने आप सोक करता है, बहुत अच्छा ड्राई करता है सब कुछ तरीका से। तो अगर पोंछना है बढ़िया से तो टिशू ही यूज़ कीजिएगा। ये है हैंड सैनिटाइज़र जो जेल के रूप में आता है, हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र जो है बाकी ऑयल को निकालेगा, ये सुखा लेने के बाद सैनिटाइज़र से इस तरीका से आप क्लीन करेंगे। पूरा एकदम हल्का हाथ से पहले घिस लेना है, उसके बाद टिशू से जैसे आप वाटर साफा किए थे उसी तरीका से आप इसको भी साफा कर लेंगे। देखिए जितना टिशू का पार्ट उस पर लगा हुआ था वो झाड़ लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब क्या है, कुछ नहीं है, एकदम पूरा क्लीन है। आपको रोटर देखने से भी लगेगा एकदम नया जैसा, एकदम चमकने लगा है। फिर आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर लेना है, चाहे कुछ भी हो, 80 का 80 नंबर का हो या 120 नंबर का हो, आपको सैंड पेपर ले करके उसको घिस लेना है ब्रेक पैड को हल्का हाथों से। ये नहीं कि घिस के पैड ख़त्म कर देना है, हल्का हाथों से ऊपर का लेयर जस्ट उसका स्क्रैच कर देना है। ऊपर का लेयर स्क्रैच इसीलिए करेंगे क्योंकि उस पर ऑयल गंदा थोड़ा सा भी अगर जमा हुआ रहेगा वो आपका क्लीन हो जाएगा। ये देख ही सकते हैं बिल्कुल ब्लैक से वाइट वाइट होने लगा। ब्रेक पैड घिस लेने के बाद देखिए पूरा एकदम वाइट हो चुका है। फिर रोटर का जो है नट हम लोग लगा लेंगे। रोटर कनेक्ट को जो है एकदम फाइनल फुल टाइट कीजिएगा, ये थोड़ा सा भी ढीला नहीं रखिएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक है, थोड़ा सा भी अगर ढीला रहा तो बाद में हिलने लगेगा। अब देखिए ब्रेक पैड को जो है उसका प्लेट के ऊपर कैसे बैठाना है। ऐसे बैठा लेना है, फिर उसका स्प्रिंगनेस जो है वो काम कर रहा कि नहीं सही वो चेक कर लेना है।
फिर जिस तरीका से आप कैलिपर से निकाले थे उसी तरीका से आपको लगा लेना है। आपको सामने से दिखेगा भी, देखिए कैसे लगा रहे हैं। इसको ऐसे पकड़ना है पहला, फिर ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद फिर उसको जैसे निकाले थे वैसे ही वापस डाल देना है। ये बैठ गया। बैठने के बाद जो चीरा पिन है उसको लगा लेंगे। ये चीरा पिन को जो है जैसे मुड़ा हुआ था चीरा पिन को ऐसे ही वापस से मोड़ देंगे। वापस से उसको मोड़ देंगे ताकि चीरा पिन निकले ना। फिर अब व्हील को लगा लेंगे। व्हील को जो है बढ़िया से देखते हुए ऐसे लगाना है कि दोनों पैड के बीच में गैप है उसी पे रोटर स्मूथली रन करे, इस हिसाब से लगाना है। एक साइड भी पैड पे सटा हुआ रहेगी या तो वो साउंड करने लगेगा और व्हील जो है जैम भी करेगा। तो ये ज़रूरी से चेक करें कि किसी साइड वो चिपका हुआ ना हो। अब ब्रेक चेक कीजिए, अब कैसे स्लिप कर रहा था अब कैसे पीछे से उठ जा रहा चक्का एकदम। देख ही सकते हैं एकदम सडनली स्टॉप हो रहा है ब्रेक।